बनारस का सबसे ऊंचा मंदिर। मान्यता है कि 84 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाने से मनुष्य को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 4 सीढ़ियां दब जाने के कारण अब सिर्फ 80 सीढ़ियां ही बची हैं। इस मंदिर को मल्लिकार्जुन या त्रिपुरांतकेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार रामायण काल में श्रृंग ऋषि का ये आश्रम था, जो दशरथ के पुरोहित थे। कालांतर में कई ऋषियों ने यहाँ आकर तपस्या किया। इसी के बाद यहाँ त्रिपुरांतकेश्वर के रूप में मल्लिकार्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग में स्वयंभू प्रकट हुए। कृष्णा नदी के किनारे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है, यह उन्हीं की प्रतिकृति है। कहा जाता है कि यहाँ के ऋषियों ने तपस्या करके कृष्णा नदी का जल इस कृष्णा कूप में अवतरित किया। ऋषियों ने गंगा की जलधारा को मल्लिकार्जुन मंदिर तक मोड़ दिया। मंदिर के नीचे सुरंग है, जिसमें आज भी गंगा मौजूद है। मान्यता है कि महादेव रात में 12 बजे यहाँ विश्राम करने आते हैं। माँ काली को यहाँ चांदी का जीप चढ़ाया जाता है। जिस बच्चे की बोली नहीं है, वाणी नहीं है या तोतला हो, उसके कष्ट यहाँ दूर हो जाते हैं। यहाँ सिया राम संग लक्ष्मण और दक्षिणमुखी हनुमान जी का दर्शन करने से शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाती है। त्रिमुखी गणेश को उच्च पद नौकरियों के लिए कलम चढ़ाने की मान्यता है। 41 दिन तक लगातार यहां दर्शन करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हर हर महादेव।